नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव और मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। देश की राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां एलजी विनय सक्सेना के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के विधायकों को हिरासत में ले लिया गया है। तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों का जबरदस्त हंगामा और अब विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दीपक रावत का मैं रुख करना चाहूंगी। दीपक रावत, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? जी शोभना, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एलजी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर बैरिकेड और पुलिस कर्मियों की तैनाती आपको नजर आ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर पहले तक यहां पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायक यहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने ये मांग की थी कि वो एलजी से मिलना चाहते हैं, उन्हें एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं। मेमोरेंडम इस बात का कि दिल्ली में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। संगम विहार वाला मामला हम सबकी नजर में है कि एक 16 साल की लड़की को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। तो आम आदमी पार्टी के विधायकों का ये आरोप था कि एलजी, जिनके हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था है, वो इन सब मामलों का संज्ञान क्यों नहीं लेते, दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं करते हैं। कुछ इसी बात को लेकर ज्ञापन सौंपना था, लेकिन परमिशन नहीं दी गई एलजी से मिलने की, इसलिए सभी लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए। करीबन एक घंटे तक धरने पर बैठे रहे। पुलिस ने इस दौरान सभी को हटने के लिए कहा, बार बार अनाउंसमेंट की गई, लेकिन जब नहीं हटे तो सभी को पुलिस ने डिटेन कर लिया और यहां से दूर ले गए। तो ये तस्वीरें हैं एलजी दफ्तर के बाहर की, शोभना, जहां पर अभी भी बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी अगर यहां पर आता है ऐसा व्यक्ति जिसको परमिशन नहीं है एलजी दफ्तर जाने की, तो उसे तुरंत यहां से डिटेन कर लिया जाएगा। तो एक-एक गाड़ी से पूछताछ की जा रही है, किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। खान भी हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप पहले एलजी के खिलाफ जब नोटबंदी में तो नोट बदलने का आरोप लगाते हैं, तब घमासान, वो पोस्टर आप छपवाते हैं, आज आप एलजी के घर पहुंच जाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। तो कुल मिलाकर ये जो एलजी वर्सेस अरविंद केजरीवाल सरकार चल रहा है, इससे नुकसान अंत में दिल्ली की सरकार का ही, दिल्ली के लोगों का ही हो रहा है। जाहिर तौर पर शोभना, जब सरकारें काम नहीं करेंगी, आपस में लड़ने भिड़ने का काम करेंगी, तो लोगों का काम कैसे होगा। आप समझिए कि कोई धरने पर बैठा हुआ है, कोई एक के खिलाफ दूसरी फाइलें निकालने में लगा हुआ है, तो ऐसे में कैसे चीज़ें हो पाएंगी। कुछ लोग यहां पर हमें मिले भी थे जो अपनी काम को लेकर पहुंचे थे एलजी दफ्तर में, लेकिन उस दौरान भी उनकी बात नहीं हो पाई एलजी दफ्तर में, क्योंकि बाहर बैरिकेड लगे हुए थे, धरने पर लोग बैठे हुए थे। तो लगातार दिल्ली में लड़ाई बढ़ती जा रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।